गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन द क्लास थर्ड ऑफ EVS चैप्टर 5। चैप्टर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भी दिए जा चुके हैं। उम्मीद है आप लोग याद कर लिए होंगे। अब चैप्टर 5 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भोजन के स्रोत, सोर्सेज ऑफ फूड। वी कैनॉट लिव विदाउट फूड, हम लोग भोजन के बिना नहीं रह सकते। द एनर्जी वी नीड टू सर्वाइव, ग्रो एंड कंटिन्यू आवर डे टू डे एक्टिविटीज कम्स फ्रॉम फूड। हमें जो प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है उसके लिए एनर्जी की पूर्ति इन भोजन से ही प्राप्त होती है। इसी के कारण हम लोग बढ़ते हैं और अपना काम पूरी तरह कर पाते हैं। वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड, हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। आवर फूड हैबिट्स आर नॉट सेम बट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हमारी जो भोजन की आदतें हैं वह एक समान नहीं होती हैं, वे स्थान स्थान पर निर्भर करती हैं। अलग अलग स्थानों के भोजन अलग अलग होते हैं। दे डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स लाइक द अवेबिलिटी, क्लाइमेट, कस्टम्स, टेस्टेज ETC ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस। तो ये उस जगह की जलवायु, वहाँ के भोजन की उपलब्धता, रीति रिवाज और स्वाद के अनुसार इस पर निर्भर करती है। उसी के अनुसार लोगों का भोजन चेंज हो जाता है। सोर्सेज ऑफ फूड, वी गेट आवर फूड फ्रॉम टू मेजर सोर्सेज, दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें दो प्रमुख स्रोतों से भोजन प्राप्त होता है। प्रमुख हैं इनमें प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन सीरियल, पल्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेज, बेवरेज, ऑयल्स ETC, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अनाज हो गए, दाल हो गए, तेल हो गए, मसाले हो गए, फल हो गए, ये सब सामग्रियां हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। दीज आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, दीज फूड आइटम्स कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये भोजन की जो सामग्रियाँ हैं वे पौधों के विभिन्न पार्ट से ली जाती हैं। रूट्स, स्टीम, लीव्स, फ्लावर ETC ऑफ मेनी प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय अस एज वेजिटेबल्स, कुछ पौधों की हम लोग जड़ खाते हैं, कुछ के तने खाते हैं, कुछ के पत्तियां खाते हैं, कुछ के फूल खाते हैं। ये विभिन्न पौधों से हम लोग विभिन्न उनके अंगों को हम लोग उपयोग में लाते हैं। नीचे पिक्चर बना हुआ है, ये राइस है, ये धान का पौधा है, ये वेट है, ये गेहूँ का पौधा है जिससे गेहूँ निकलता है, जिससे फ्लावर आटा बनता है, और ये मिलेट है, ज्वार, बाजरा, मेज है, मेज मक्का, और ये सीरियल्स हैं। सीरियल्स ग्रेन लाइक वेट, राइस, मिलेट, मेज ETC आर कॉल्ड सीरियल। ये जो अनाज हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ये सब अनाज कहे जाते हैं। एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स इज स्टोर्ड इन देयर सीड्स, पौधों के जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो बीज के रूप में जमा हो जाते हैं। दिस सीड्स आर कॉल्ड ग्रेन्स, इन्हें हम बीज के नाम से जानते हैं। वी ईट दिज ग्रेन्स, हम इन बीजों को खाते हैं। राइस इज द स्टेपल फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश भारत के का लगभग प्रधान भोजन चावल है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इडलीज एंड डोसाज, इनसे डोसा और इडली भी बनाए जाते हैं। वी मेक चपाती, ब्रेड एंड केक्स फ्रॉम वेट, गेहूँ से हम लोग रोटियाँ, चपातियाँ, ब्रेड और केक आदि बनाते हैं। अब नाउ पेज नंबर 30, पल्सेज राजमा, ग्राम्स एंड बीन्स। पल्सेज, वी ईट द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, हम लोग कुछ पौधों के बीज खाते हैं। सम ऑफ दी सीड्स लाइक बीन्स, ग्राम, पीज, राजमा ETC, इन बीजों में बीन्स हैं, ग्राम है, चना है, मटर है, राजमा है, ये सब आते हैं। ये पल्सेज और दाल के रूप में हम लोग उपयोग में लाते हैं। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन, ये प्रोटीन और विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेबल्स, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, हम लोग सब्जी के रूप में पौधे के विभिन्न भागों को यूज करते हैं, खाते हैं। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सम वेजिटेबल्स आर सीजनल वाइल्ड सम अदर्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, कुछ सब्जियाँ
मौसमी होती हैं जो खास मौसम में उपलब्ध होती हैं, और कुछ सब्जियां ऐसे होते हैं जो सालों भर मिलते हैं। सम वेजिटेबल्स आर ईटन एज रॉ व्हाइल सम अदर्स आर कुक्ड बिफोर वी कंज्यूम देम। कुछ सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं और कुछ सब्जियों को हम पकाने के बाद उनका प्रयोग करते हैं। रूट्स एज वेजिटेबल्स, सब्जियों के जो जड़ होते हैं उसमें बीट रूट है, कैरोट है, रेडिश है, टर्निप है। तो ये बीट रूट, कैरोट, रेडिश एंड टर्निप आर रूट्स ऑफ प्लांट, ये पौधों के जड़ है। वी कैन ईट देम रॉ एज वेल एज कुक्ड, हम इन्हें पका कर भी खाते हैं और कच्चा भी हम लोग इसे उपयोग में लाते हैं। स्टीम्स एज वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियों के तने हैं जैसे पोटैटो, ओनियन, जिंगर एंड गार्लिक, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। पोटैटो, ओनियन, जिंगर, गार्लिक, इटीसी आर सम अंडरग्राउंड स्टीम्स ऑफ प्लांट, ये भूमिगत अंदर हैं, भूमि के अंदर के तने होते हैं जिनको हम लोग पौधों के रूप में, सब्जियों के रूप में, सलाद के रूप में उपयोग में लाते हैं। वी ईट पोटैटो एंड ओनियन एज वेजिटेबल्स एंड एड जिंगर एंड गार्लिक टू इंक्रीज टेस्ट ऑफ आवर बॉडी, हम लोग आलू और प्याज को सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं जबकि अदरक और लहसुन को हम लोग मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे हमारे भोजन की भोजन स्वादिष्ट हो जाता है और उसकी टेस्टी हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। स्पिन पालक है, लिट्यूस है, ये सलाद का पत्ता है, कैबेज पत्ता गोभी है, मिंट पुदीना है। वी ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्पिंच, लेट्यूस, कैबेज, मिंट्स एज वेजिटेबल्स, हम इन पत्तियों को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। फ्लावर्स एज वेजिटेबल्स, फूलों का प्रयोग हम लोग सब्जियों के लिए करते हैं जैसे बनाना ब्लूज, केले का फूल, मोरिंगा फ्लावर्स, ब्रोकोली, कॉली फ्लावर्स। फ्लावर्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स, कई पौधों के जो फूल होते हैं उन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं सब्जियों के रूप में। बनाना ब्लूज एंड मोरिंगा और ड्रम स्टिक फ्लावर्स आर वाइडली ईटन इन साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, इनमें बोरो और कुछ और भी सब्जियां हैं जिन्हें हम उपयोग में लाते हैं। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली आर फाउंडली ईटन बाई पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। अब कुछ स्पाइसेज हैं, कार्डमम है, इलायची है, चिल्ली है, मिर्च है, क्लोव्स है, लौंग है, पीपर है और मिर्च है। आज हम लोग यहीं तक।